हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ दीनानाथ प्रसाद फ्रॉम यूनिक स्टडी सेंटर पाकी, एंड नाउ टुडे विल बी स्टडी लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोग को बताया था कल्चरल नोटिस, कंपटीशनल नोटिस, एजुकेशनल टूर नोटिस, और अब हम लोग पढ़ेंगे लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इस नोटिस को समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ। यू आर अशोक द स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ। आप अशोक हैं, आप क्लास ट्वेल्थ का विद्यार्थी हैं। कह रहा है यू हैव लॉस्ट योर पर्स या वैलेट समवेयर इन द स्कूल कैंपस। वो कहता है कि आप अपना पर्स स्कूल के कैंपस में कहीं भी खो दिए हैं या आपका पर्स कहीं भी गुम हो गया है। तो कहता है राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो इसके लिए क्या करना है, एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ। तो इसका आंसर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्कूल का नाम या संस्थान का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद से कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट के बीचों बीच यानी मिड ऑफ द फॉर्मेट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिस दिन नोटिस जारी हो रही है उस दिन का डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट इसी प्रकार होगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन फिर हम लोग छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग हेडिंग या टॉपिक लिखेंगे। इसमें हेडिंग क्या लिखाएगा, टॉपिक क्या लिखाएगा, तो हम लोग जान रहे हैं, क्लियर बात है कि यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे। यानी तो आप चाहे तो लॉस्ट ए पर्स लिख सकते हैं, यानी तो आप लोग लॉस्ट 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 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं नीचे और सभी के सभी कैपिटल अक्षर में होंगे, ठीक है। उसके बाद है नोटिस का बॉडी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रायः जो है नोटिस को जो शुरुआत किया जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म से ही शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट, सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैं अपना पर्स खो दिया या मैं मेरा पर्स भूल गया है। उसके बाद कहता है ऑफ VIP कंपनी, कहता है कि VIP कंपनी का यानी जो आपका पर्स का जो कंपनी का नाम होगा वो कंपनी के नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑन 17 मई यानी 17 मई को। आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि जो डेट यहाँ लिखाएगा वो डेट जिस दिन नोटिस जारी हो रहा है उस डेट से एक या दो दिन पहले का डेट लिखा जाएगा, क्योंकि एक दो दिन पहले ही खोया होगा, ठीक है। यानी तो आप लोग यहाँ पर लास्ट डे या अस्टरडे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है ड्यूरिंग लंच टाइम, यानी कब खोया था, लंच टाइम के दौरान। यानी तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिंग टाइम, यानी तो लिख सकते हैं PT टाइम, या आप लोग लिख सकते हैं लीविंग टाइम यानी छुट्टी के दौरान, लिख सकते हैं इन द स्कूल कैंपस, वो भी स्कूल कैंपस के अंदर ही। उसके बाद कहता है इट इज ब्लैक इन कलर, वो भी कैसा कलर का है, ब्लैक कलर का है। फिर कहता है इट हैज कॉन्टेंट यानी उसके अंदर क्या क्या है, तो उसमें क्या क्या है भाई, तो कहता है कि आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, 200 रुपी भी हैं एंड टेलीफोन डायरी भी हैं। उसके बाद कहता है फाइंडर मे रिटर्न टू प्रिंसिपल ऑफिस और अंडरसाइन। इसका मतलब होता है कि फाइंडर यानी जो पाने वाले हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस को रिटर्न कर दें या अंडरसाइन, अंडरसाइन का मतलब होता है कि जो नीचे साइन किए हैं लिखे हैं नोटिस को उसके पास आप जमा कर दें या दे दें। एंड क्लेम ए रिवार्ड, और आप पुरस्कार का भागीदारी हो सकते हैं और पुरस्कार ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे जो नोटिस लिखता है उसका नाम होना चाहिए। तो इसमें नोटिस लिखने वाला कौन है, अशोक, तो अशोक लिखेंगे। उसके बाद क्लास लिख देंगे, कौन सा क्लास के हैं, सेक्शन लिख देंगे और लास्ट में रोल नंबर लिख देंगे ताकि पाने वाला व्यक्ति आपके पास रिटर्न कर दे, ठीक है। उसके बाद अंत में हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को इन सर्किल करना है, नोटिस को घेर देना है। अब ये आपका नोटिस बनके रेडी हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग
लोस्ट के जगह पे फॉन्ट नोटिस देखेंगे, और अक्सर एग्जाम में कभी कभी लोस्ट के जगह पे फॉन्ट नोटिस आ जाते हैं तो बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज होता है और जस्ट इसी प्रकार लिखा जाता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम्पल हो सकते हैं, यू आर अशोक द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यू हैव लोस्ट के जगह पे यहाँ लिख सकता है फॉन्ट, और योर की जगह पे ये लिख सकता है, यानी फॉन्ट ए पर्स या वैलेट समवेयर कहीं भी पाए इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी प्रकार लिखा जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे लोस्ट एंड फॉन्ट ही रहेगा। चाहो तो आप लोग देख सकते हैं फॉन्ट फॉन्ट फॉन्ट, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग लोस्ट एंड फॉन्ट ही लिखेंगे जो बेटर है। ठीक है, इसी टाइप से लिखा जाएगा। तो उसके बाद होगा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट, इसका मतलब होता है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आई हैव, यहाँ पे देखिएगा लोस्ट के जगह पे होगा फॉन्ट, फॉन्ट ए, आई हैव फॉन्ट ए पर्स, मैंने एक पर्स पाया हूँ और VIP कंपनी का है, और भी कब पाया तो 17 मई को पाया, ड्यूरिंग लंच टाइम, यानी लंच टाइम पे पाया, और उसके बाद क्या था इन द स्कूल कैंपस, वो भी स्कूल कैंपस में ही पाया, इट इज इन ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर में है। फिर कहता है इट हैज आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 200 रुपी एंड टेलीफोन डायरी, इसके अंदर ये सारे चीज़ थे। फिर कहता है यहाँ पे फाइंडर, फाइंडर यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओनर, owner, इसका मतलब होता है जिसका पर्स है वो। ठीक है, मे रिटर्न, रिटर्न के जगह पे क्या हो जाएगा क्लेम, CLAIM, यानी दावा कर सकता है या ले सकता है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफिस, यानी प्रिंसिपल ऑफिस है, और अंडर साइन, यानी जो नीचे साइन किया उनसे आप ले सकते हैं। यहाँ के बाद यहाँ एंड क्लाइम ए रिवार्ड, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे आफ्टर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, यानी आप ले सकते हैं, आप अपना नेसेसरी यानी आवश्यक डिटेल्स जानकारी देकर आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसी प्रकार नाम लिखा जाएगा, रोल लिखा जाएगा और क्लास लिखा जाएगा। ठीक है, और लास्ट में घेर दिया जाएगा। चलिए तो हम इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू आर अशोक द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आप अशोक हैं, क्लास 12th का विद्यार्थी हैं, यू हैव फाउंड ए, आपने एक पाया है, क्या पाया है पर्स, यानी पर्स पाया है या वैलेट पाया है, समवेयर कहीं भी, इन द स्कूल कैंपस, वो भी स्कूल कैंपस में। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोटिस, एक छोटा सा नोटिस लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, तो पहले हम लोग संस्थान का नाम लिखेंगे, तो स्कूल का नाम नहीं है तो खुद से स्कूल का नाम ले सकते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद नोटिस लिखेंगे इस टाइप से, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद फिर पुनः, उसके बाद हम लोग हेडिंग यानी टॉपिक लेंगे, टॉपिक में लोस्ट एंड फाउंड लिखेंगे। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आई हैव फाउंड ए पर्स, यानी मैंने एक पर्स पाया हूँ, और VIP कंपनी, वो भी VIP कंपनी का है, ऑन 17th मई ड्यूरिंग लंच टाइम, वो भी 17 मई को, वो भी लंच टाइम के समय। ठीक है, इन द स्कूल कैंपस में पाया हूँ। फिर कहता है कि इट इज ब्लैक इन कलर, या ब्लैक कलर में है ना, इट हैज कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर है आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 200 रुपी एंड टेलीफोन डायरी, ये है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑनर यानी मालिक, जो इनका मालिक है या जिनका ये पर्स है, मे क्लाइम, यानी वो दावा कर सकते हैं, ले सकते हैं, टू द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस से, या अंडर साइन, जो नीचे साइन किया उनसे ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए आफ्टर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, यानी आवश्यक जानकारी देकर आप इसे ले जा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद जो नाम है, जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम लिखाएगा,
क्लास लिखाएगा, सेक्शन लिखाएगा और रोल नंबर लिखाएगा, अंत में फिर उसको नोटिस को घेर देंगे। इस प्रकार नोटिस बन गया, ठीक है।